मनिषर पाकतंत्र गठन एवं कार्य संबंध में आम डिटेल्स पढ़ुंट। तो या पूर्व मु गठन विषय ऑलरेडी कही देछि। तो वर्तमान आम कार्य चली कार्य अर्थात पाकतंत्र कार्य है पाचन क्रिया। तो पाचन क्रिया बा पाक क्रिया संबंध में पढ़ुंट। पूर्व वीडियो पर्यंत मु पाकस्थली पर्यंत आमर पढ़ा सरी माने पाकस्थल केमी पाचन क्रिया हुए से विषय में डिस्कशन ऑलरेडी कर देछि। आ जदि से वीडियो गुड़ी को देखिन ताहले मोर प्ले लिस्ट रू जाई देखिपार। तो आज आम कौन पढ़वा पर्टिकुलरली क्षुद्रांत कौन हुए केमी हुए पाक क्रिया। देख क्षुद्रांत पाक क्रिया संबंध में आम डिटेल्स पढ़वा। गठन तो मुझे अलरेडी कहीदे कार्य चली। तो आज टॉपिक है क्षुद्रांत पाक क्रिया केमी हुए माने क्यों एंजाइम एवं आउ क्यों पदार्थ रही सेगुड़ी केमी खाद्यर परिवर्तन करती अर्थात खाद्यर जो परिपाक जो हजम क्रिया बा जीर्ण हेबा प्रक्रिया केमी होता है डिटेल्स देखा। देख ध्यान सहित देख पूरा आराम से बुझीपर मन रही वीडियो को ध्यान सहित देखिले आराम से वीडियो शेष बेलू क्षुद्रांत कौन केमी पाक क्रिया हुए से सब कथागुड़िक ऑटोमेटिक मन ही रही। देख मु क्षुद्रांत गठन विषय खाली टिके कहीदी जे आम पाकस्थली जोठू सरे से आरंभ हुए क्षुद्रांत। देख पाकस्थली एमती उदर गह्वर में रही यहाँ पाकस्थली पाकस्थली सरियापर ये क्षुद्रांत फास्ट एमती सी रूप नहीं कि आग को थाए। अच्छा क्षुद्रांत तीनोटी अंश अच्छी मुलरेडी कही जो चित्र करी से गठन विषय जो डिस्कसन करुले से मुझे। तो क्षुद्रांत तीनोटी अंश अच्छी देख तीनोटी अंश कौन कौन मुझे मन पकईदे। देख ये पाकस्थल एंड है यहाँ है पाकस्थली यहाँ पाकस्थली यहाँ पाकस्थली ये सरला तापर ए जो आरंभ है एउठु क्षुद्रांत आरंभ है। देख फास्ट जो सी टाइप रो इंग्राजी सी टाइप रो जो है तो ये अंशटा कहती ग्रहणी यहाँ कहती ग्रहणी बा ड्यूडेनम यहाँ हूँ क्षुद्रांत प्रथम अंश। ता पर अंशटा जो रही कहती जेजुनम जेजुनम बाईटा हूँ क्षुद्रांत जेजुनम यहाँ है क्षुद्रांत मझी अंश। ता पर अंशटा जो रही है क्षुद्रांत शेष अंश ताको कहती इलियम शेष क्षुद्रांत बा इलियम। तो एमती तीनोटी अंश रही क्षुद्रांत। अच्छा ये इलियम सरवापर एठ आरंभ हुए बृहदंत्र एठ बृहदंत्र आरंभ हो जाए ये थाए आपेंडिक्स। तो युड़क मुझ गठन अलरेडी कहीदे जस्ट खाली टी ये मन पकईदी बर्तमान देखिए क्षुद्रांत कौन केमी पाक क्रिया हुए। देख ये फास्ट अंश ड्यूडेन ग्रहणी बा ड्यूडेनम द्वितीय अंश जेजुनम तृतीय अंश है इलियम। बर्तमान आम देखा ग्रहणी में कौन हुए केमी पाक क्रिया हुए केमी आम खाद्यर पर खाद्यर पाचन क्रिया बा जीर्ण होगा प्रक्रिया हुए ग्रहणी कथा प्रथम आम डिस्कसन करवा। देख ग्रहणी जो रही ग्रहणी रे खाद्य आसवा पर पाकस्थल खाद्य आसे ग्रहणी को ग्रहणी रे खाद्य पहुँचा पर ग्रहणी रे थिबा खाद्य सहित दुईटी स्थान रु दुई प्रकार तरल पदार्थ माने खाद्य को हजम करुवा पदार्थ आसिकी ग्रहणी रे खाद्य सहित मिसे। अच्छा केउठी केउठु आसे मुझे देख। अच्छा देख मुझे चित्र देखे दूची जे जो ग्रहणी रहा ग्रहणी यही पटरे अर्थात पाकस्थल डाहाण पार्श्वर यही आम थाए कौन ना जकृत थाए यही जकृत थाए मु ऑलरेडी चित्र रे देखेली। तो यहाँ है जकृत यहाँ है जकृत यहाँ तो पाकस्थली छाड़ पाकस्थली विषय मुझे ऑलरेडी डिस्कशन कर दे पाकस्थली केमती पाक क्रिया हुए से कथा ऑलरेडी डिस्कशन सर। तो यहाँ है जकृत बा लिभर तापर एठी मध्य थाए एमती थाए यहाँ अग्नाशय। तो यहाँ है अग्नाशय यहाँ हूँ अग्नाशय अग्नाशय अग्नाशय। अच्छा देख ग्रहणी को दुईटी स्थान रु दुई प्रकार तरल पदार्थ खाद्य को हजम करुवा तरल पदार्थ आसिक मिसे कौटू कौटू आसे ना जकृत रु आसे पित्त एवं अग्नाशय रु आसे अग्नाशय रस मन रखिब। तो ग्रहणी रे आसिकी दुईटी दुई प्रकार तरल पदार्थ मिसुची खाद्य को हजम करने खाद्यर पाचन क्रिया करने। तो प्रथम आसला कौन जकृत रु क्षरित पित्त है फास्ट पदार्थ जकृत रु क्षरित पित्त एवं दुई रे अग्नाशय रु
क्षरित अग्न्याशय रस, अग्न्याशय रस, अग्न्याशय रस। देख पित्त एवं अग्न्याशय रस ग्रहणी रे थिबा खाद्य सहित आसिकी मिसे। अच्छा बर्तमान आमर कौन जानवा एवं ना पित्तर कार्य कौन एवं अग्न्याशय रसर कार्य कौन। देख फास्ट पित्त विषय मुझे पित्त तो पित्त आम क्लीयर हेले कौन जान ले ना पित्त जकृत रु क्षरित हुए एवं एक पाइप बा नल द्वारा आसिक पहुँचे ग्रहणी। देख मु आम पढ़ुं क्षुद्रांतर पाकक्रिया क्षुद्रांतर तीनोटी अंश अच्छी ग्रहणी जेजुनम इलियम प्रथम अंश ग्रहणी मझी अंश जेजुनम एवं शेष अंश इलियम। बर्तमान ग्रहणी में कौन पाकक्रिया हुए केमिति पाकक्रिया हुए खाद्यर केमिति परिवर्तन हुए तो सही कथा को डिस्कशन करुचंती। ग्रहणी में दुईटी स्थानरु दुई प्रकार रस खाद्य को हजम करने आसिकी ग्रहणी में पहुँचे अर्थात ग्रहण खाद्य सहित मिसे। जकृत रु क्षरित पित्त आसिकी खाद्य सहित ग्रहणी में मिसे एवं अग्न्याशय ग्रंथि क्षरित अग्न्याशय रस आसिकी मध्य ग्रहणी में पहुँचे एवं खाद्यर पाकक्रिया करे। तो ग्रहणी को दुईटी जगार दुई प्रकार रस आसिक मिसे तो फास्ट है पित्त जोटा जकृत रु आसे एवं द्वितीय है अग्न्याशय रस जोटा अग्न्याशय ग्रंथि आसे। देख पित्तर कार्य कौन बर्तमान जानवा। देख फास्ट कथा मन रख पित्तरे कौनसी एंजाइम नहीं पित्तरे कौनसी एंजाइम नहीं किंतु पित्तरे अच्छी जहाँ से कौन कार्य करे बर्तमान कौच। देख पित्तर दुईटी कार्य पित्तर है दुईटी कार्य कौन दुईटी कार्य ना एक है पित्तर तो एंजाइम नहीं पित्तरे किंतु अच्छी गोटे पित्त लवण पित्त लवण। देख पित्तरे पित्त लवण विषय मुझे खाली कहीदे ये कार्य दुईटा मुझे कहबी जे पित्त लवण पित्त लवण पित्तरे थाए। देख जो पित्त लवण या बाइल सल्ट कहती से लवणर नाम हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जार संकेत है NH CO3 पित्त लवण जहाँ बाइल सल्ट बोल कहते से बाइल सल्ट किए पित्त लवणटा किए ना से है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NH CO3 यार ना है सोडियम बाइकार्बोनेट कही पारिबा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मध्य कही पारिबा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बोनेट बा सोडियम बाइकार्बोनेट। देख पित्तल पित्त लवण पित्तरे थाए पित्तरे थाए पित्तरे थाए कौन ना पित्त लवण जार नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तार संकेत NH CO3। बर्तमान ये पित्त लवणर कार्य रही। देख मुझे पित्तर दुईट कार्य कौन कौन दुईट कार्य बर्तमान मुझे कार्य एक कार्य दुई प्रथम कार्य है पित्तरे जेहेतु सोडियम हाइड्रोजन नामक पित्त लवण अच्छी जार प्रकृति हूँ क्षारिय तो पित्त कौन कै ना पाकस्थल आसी अम्लीय खाद्य को क्षारिया कै सामान्य क्षारिय कै। देख पाकस्थल परिवेश अम्लीय रे पाकस्थल क्षरित जो एंजाइम गुड़िक अम्लीय परिवेश ठीक रूपे कार्य करे किंतु ग्रहणी रे जो एंजाइम गुड़िक खाद्यर शैलीकरण करती सेगुड़िक क्षारिय परिवेश रे ही काम करती तो ग्रहणीर परिवेश को क्षारिय करने ये पित्त लवण दायी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जोटा कि पित्तरे रही। तो यहाँ पित्तर प्रथम कार्य है पाकस्थल आसी अम्लीय खाद्य को क्षारिय करे सामान्य क्षारिय करे ये फास्ट कार्य खाद्य को क्षारिय करे अम्लीय खाद्य जो पाकस्थल आसे ताकू कौन करे ना क्षारिय करे फास्ट कार्य गला। द्वितीय कार्य पूरा इम्पोर्टाट कार्य देख ये द्वितीय कार्य परीक्षार भी पढ़े ध्यान से मन रखे पित्त कौन करे ना आमर जो रही स्नेहसार जातीय खाद्य स्नेहसार जातीय खाद्य जहाँ लिपिड बा फैट कहती से स्नेहसार जातीय खाद्यर अवद्रव्यीकरण कराए। देख टर्न किसी कष्ट नुहे अवद्रव्यीकरण कराए स्नेहसार रट्रे लिखुची नोट्स आकार पूरा मुझे लिखुनी जस्ट खाली बुझाप स्नेहसार स्नेहसार खाद्यर खाद्यर अवद्रव्यीकरण। देख स्नेहसार जातीय खाद्यर अवद्रव्यीकरण कौन मुझे टिके बुझे दूसरी ध्यान से देख ये जे स्नेहसार आम जो खाऊँ से गुड़िक बड़ बड़ ऑयल ड्रॉपलेट माने जो आम ऑयल बा जो खाऊँ तैल जातीय पदार्थ से गुड़ा स्नेहसार ना तो से गुड़िक एमती बड़ बड़
दाना आकार रे थाए तो एटा हला गुटे स्नेह सार रो दाना तो ए जो बड़ दाना एमती रहिले ये कौन हुए ना जल रे ये भासिकी रहे देख जल रे भासिकी रहे एटा मन कर मु एठी कहि दउ जे एठी देख ए लक्ष्य कर जे एमती जल रहिछि तो एति पर्यंत मन कर जल अछि तो स्नेह सार दाना गुडी को एमती ऊपर भासिबो एमती ऊपर भासिबो अच्छा जल सहित यदि मिक्स न हेउछि स्नेहसार पदार्थ जदि जल सहित मिक्स न हेउछि ताहले स्नेहसार को हजम करथु एंजाइम से स्नेहसार ऊपर एक्शन नै पारिबनि अर्थात स्नेहसार को हजम करि पारिबो नाही तो एमिति जो बड़ बड़ दाना रहिछि जो बड़ बड़ दाना एगुडी को कोन हुए ना जो पित्तर प्रभाव रे कोन हुए ना छोटो दाना रे परिणत हुए देख पित्तर प्रभाव रे कोन हुए जो बड़ दानाटा एमिति छोटो 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 स्नेहसार दाना रे परिणत हुए क्षुद्र दाना रे परिणत हुए अच्छा देख एगुड़ी जो क्षुद्र दाना रे परिणत हो गला एटा छोट छोट दाना हो गला तो ये वाटर बा जल जो रही जल एगुड़ा जल जो रही जल भितर को छोट छोट दाना गुड़िक कौन हुए एमती एंट्री करी आसे जल सहित मिक्स हो जाए तो जल सहित मिक्स हो गले एटा इमल्सन कहती इमल्सन आज अवद्रव्यीकरण या इमल्सिफिकेसन कहती मन रखी इंग्लीश रे कहती इमल्सिफिकेसन इमल्सिफिकेसन स्नेहसार जातीय खाद्यर अवद्रव्यीकरण बा इमल्सिफिकेसन कराइए ना पित्त याकु आमे बुझुचंती देख बर्तमान जो बड़ बड़ दाना थिला एगुड़ी को इमल्सिफाइड हो गला अर्थात छोट छोट दाना रे परिणत हो गला एवं जल सहित से गुड़ी को मिक्स हो गला मिक्स हला परे तापर कौन हबो ना स्नेहसार को जो सरलीकरण करिबा एंजाइम स्नेहसार ऊपर एक्शन नै पारिबो एवं स्नेहसार को से सरलीकरण करि पारिबो तो द्वितीय कार्य पित्तर आमे जानिबले कौन ना स्नेहसार खाद्यर बा स्नेहसार जातीय खाद्यर अवद्रव्यीकरण बा इमल्सिफिकेसन कराए देख तो ये लक्ष्य कर जो आमर पित्त लवण स्नेहसार जातीय खाद्यर जो अवद्रव्यीकरण कराए पित्तरे पित्त लवण से ही अब से ही अवद्रव्यीकरण कराए सेटा जो करे ताको आमे टिके इठी केमिति लेखिबा ना स्नेहसार स्नेहसार पित्त लवणर प्रभाव रे पित्त लवण रो प्रभाव रे जो प्रक्रियाटा हुए ता कहती अवद्रव्यीकरण पित्त लवण रो प्रभाव रे स्नेहसार जातीय खाद्यर अवद्रव्यीकरण घटी सृष्टि हुए कौन ना अवद्रव्यीकृत स्नेहसार देख अवद्रव्यीकृत अवद्रव्यीकरण हो गला ना तो अवद्रव्यीकृत स्नेहसार बा इमल्सिफाइड फैट अवद्रव्यीकृत स्नेहसार लक्ष्य कर एटा होची आमर स्नेहसार दानाटा पूरा एटा बड़ दानाटा तो ये वाटर बा जल रे भासे तो पित्त लवण जो रहला पित्त बा पित्त लवण रो प्रभाव रे एटी इमल्सिफाइड हो गला अर्थात एटा अवद्रव्यीकृत स्नेहसार हो गला अवद्रव्यीकृत स्नेहसार रूप को एटी पळे आसिला हेले वाटर सहित मिक्स हो जीव एंजाइम गुडी को तापर एक्शन नै पारिबे तो ये थिला पित्तर कार्य देख किछ असुविधा नै जकृत रु पित्त खेरित हो ग्रहणी रे आसी पहुँचे पित्तर दुईटी कार्य पित्तरे थाए कौन ना पित्तरे कौन सी एंजाइम न थाए ये फास्ट कथा मन रख पित्तरे कौन सी एंजाइम नाही कौन सी एंजाइम पित्तरे नाही एंजाइम नाही कौटी ना पित्तरे पित्तरे कौन सी एंजाइम नाही तो अच्छी कौन ना पित्तरे पित्त लवण अच्छी बाइल सॉल्ट जहाँ नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बा NHCO3 अच्छा तार दुईटी कार्य देख पित्त लवण दुईटी कार्य सेटा पित्तर कार्य कहले चलिबो पित्त लवण कार्य कौन ना फास्ट कथा हला पित्त लवण पाकस्थल आसिथिबा अम्लीय खाद्य को सामान्य क्षारिय करे तो क्षारिय परिवेश रे ही ग्रहणी रे जो एंजाइम गुड़िक खाद्यर सरलीकरण करिबो से ही ठीक रूपे कार्य सेटी करि पारिबो क्षारिय परिवेश रे तो फास्ट कथा हला पाकस्थल आसिथिबा अम्लीय खाद्य को पाकस्थल अम्लीय खाद्य आसे कने HCl मिक्स हेकि अम्लीय हो जाए ना तो अम्लीय खाद्य को सामान्य क्षारिय करे द्वितीय रे कौन ना स्नेहसार जातीय खाद्यर से पित्त लवण स्नेहसार जातीय खाद्यर अवद्रव्यीकरण कराए अवद्रव्यीकरण सिंपली मन रखा बड़ बड़ दाना छोट छोट दाना रे परिणत हो जल सहित मिक्स हो जाए इमल्सन हो जाए अच्छा तो तार एक्शनटा ये लिखिले पित्त लवण एक्शनटा स्नेहसार पित्त लवण प्रभाव रे अवद्रव्यीकरण घटे फल अवद्रव्यीकृत स्नेहसार सृष्टि हुए तो ये पित्तर कार्य एवं देखा अग्नाशयर कौन क्षरित हुए और
तार कार्य कौन से कौन एंजाइम अच्छी कि ना से विषय डिटेल्स बर्तमान देखा। तो बर्तमान जकृत कथा सर अर्थात जकृत रु जो क्षरित पित्त तार कार्य विषय जाणीगले एवं देखा अग्नाशय कौन क्षरित हुए तार कार्य देख मन रख मुझी ग्रहणी को दुईट स्थान रु आसिकी पदार्थ मिसुची गोटे है पित्त आ गोटे है अग्नाशय रस अग्नाशय रु क्षरित हुए अग्नाशय रस मुझे। तो बर्तमान अग्नाशय रस विषय जाणी अग्नाशय रस देख ये अग्नाशय रस एथिरे तीन प्रकार एंजाइम रही अग्नाशय रस तीन प्रकार एंजाइम रही कौन कौन तीन प्रकार एंजाइम देख गोटे है अग्नाशय एमाइलेज तीन प्रकार एंजाइम एक दुई तीन अग्नाशय एमाइलेज दुई रहला अग्नाशय प्रोटीएज तीन रहला अग्नाशय लाइपेज देख अग्नाशय अमाइलेज एमाइलेज व अमाइलेज कहवा यार काम है श्वेतसार जातीय खाद्य उपर एक्शन नब अग्नाशय प्रोटीएज पुष्टिसार जातीय उपर एक्शन नब अग्नाशय लाइपेज स्नेहसार जातीय उपर एक्शन नब देख मु ऑलरेडी कही एमाइलेज कैटेगोरी रो एंजाइम श्वेतसार जातीय खाद्य उपर एक्शन निए प्रोटीएज कैटेगोरी एंजाइम पुष्टिसार उपर एक्शन निए लाइपेज कैटेगोरी एंजाइम स्नेहसार उपर एक्शन निए। अच्छा देख तो ये तीन प्रकार जो एंजाइम रही कौन कौन ना अग्नाशय अमाइलेज तापर आउ गोटे है अग्नाशय प्रोटीएज तापर अग्नाशय लाइपेज देख कार्य कौन अग्नाशय अमाइलेज का उपर एक्शन नब ना ये एक्शन नब श्वेतसार जातीय खाद्य उपर किंतु आमर जो जटिल श्वेतसारटा कौन होता माल्टोज्रे परिणत होता कौटी पार्टी आमर जो टायलीन एंजाइम रही टायलीन लाल थाए लाल थाए टायलीन एंजाइम जहाँ को सालिवरी एमाइलेज कहती मुझे मुखगहर पाकक्रिया बेले कही तो से टायलीन एंजाइम प्रभाव में आमर जो जटिल श्वेतसार ता माल्टोज्रे परिणत होता। तो बर्तमान माल्टोज उपर एक्शन नब ये अग्नाशय अमाइलेज देख ये एक्शन नब का माल्टोज उपर माल्टोज माल्टोज यहाँ हूँ दि सर्करा मुझे कही माल्टोज उपर एक्शन नब किए ना अग्नाशय अमाइलेज एक्शन नेलापर ये सृष्टि कर ग्लुकोज। तो ये सरला अग्नाशय अमाइलेज्र कार्य तापर देख अग्नाशय प्रोटीएज ये का उपर एक्शन नब ना ये एक्शन नब पुष्टिसार जातीय खाद्य उपर किंतु देख जो जटिल पुष्टिसारटा पाकस्थल कौन होता ना पेप्टोन आउ प्रोटीओजेस कन्वर्ट हो जाता कौटी पाकस्थल पेप्सिन एंजाइम द्वारा। तो बर्तमान से पेप्टोन और प्रोटीओजेस जो रहा जोटा कि आमर पुष्टिसार किसी मात्रा सरल रूप से पेप्टोन और प्रोटीएज प्रोटीओजेस प्रोटीएज एंजाइम द्वारा एमिनो एसिड बा एमिनो अम्ल में परिणत हेबो। अच्छा एटा चित्र पई एठी मते गार मार दउची तो एपट अंशटा चित्र मु करिछि देख एटी का उपरे अग्नाशय प्रोटीएज एक्शन नब ना पेप्टोन पेप्टोन आउ प्रोटीओजेस प्रोटीओजेस पेप्टोन आउ प्रोटीओजेस प्रोटीओजेस देख पुष्टिसार किसी मात्रा सरलीकृत होता पेप्सिन एंजाइम द्वारा कौटी ना पाकस्थल तो पेप्टोन और प्रोटीओजेस को कन्वर्ट होता से पेप्टोन प्रोटीओजेस उपर एक्शन नाला किए ना अग्नाशय प्रोटीएज एक्शन नालापर ये कौन सृष्टि कर ना एमिनो एसिड बा एमिनो अम्ल एमिनो एसिड बा एमिनो अम्ल ठीक अच्छे। तो ये पुष्टिसार सरल रूप तापर देख अग्नाशय लाइपेज अग्नाशय लाइपेज ये का उपर एक्शन नब ना ये तो स्नेहसार जातीय खाद्य उपर एक्शन नब किंतु स्नेहसाराटा आमर अवद्रव्यीकृत हो सारी अवद्रव्यीकृत का द्वारा होना पित्त द्वारा हो जस्ट कहती एवं तो से अवद्रव्यीकृत स्नेहसार देख अवद्रव्यीकृत स्नेहसार अवद्रव्यीकृत स्नेहसार उपर एक्शन नब किए ना अग्नाशय लाइपेज बर्तमान अवद्रव्यीकृत स्नेहसार को अग्नाशय लाइपेज कौन कर ना यार जो सरल रूप आम अलरेडी जानते
ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଏବଂ ଗ୍ଲିସେରଲ୍ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଆଉ ଗ୍ଲିସେରଲ୍ରେ ପରିଣତ କରିବ ଗ୍ଲିସେରଲ୍ ଦେଖ ସିମ୍ପୁଲ୍ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ଏଠି ଅଗ୍ନାଶୟରୁ କ୍ଷରିତ ରସକୁ କହନ୍ତି ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ ଅଗ୍ନାଶୟ ରସରେ ତିନି ପ୍ରକାର ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଥାଏ ସେ ତିନି ପ୍ରକାର ଏନ୍ଜାଇମ୍ରେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଅଗ୍ନାଶୟ ଆମାଇଲେଜ୍ ଇଏ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଏ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସରଳ ହୋଇଥିଲା ଲାଳରେ ଥିବା ଟାଇଲିନ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ମାଲ୍ଟୋଜ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମାଲ୍ଟୋଜ୍ ଉପରେ ଅଗ୍ନାଶୟ ଆମାଇଲେଜ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେବ ଏବଂ ମାଲ୍ଟୋଜ୍ ଅଗ୍ନାଶୟ ଆମାଇଲେଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ ତାପରେ ଅଗ୍ନାଶୟ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ଦେଖ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ଜାତୀୟ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ପୁଷ୍ଟିସାର ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଏ ପୁଷ୍ଟିସାର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସରଳ ହୋଇଥିଲା କେଉଁଠି ପାକସ୍ଥଳୀରେ ପୁଷ୍ଟିସାରଟା କନ୍ଭର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପେପ୍ଟୋନ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିଏଜେସ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପେପ୍ଟୋନ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିଓଜେସ୍ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲା ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ତ ପେପ୍ଟୋନ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିଓଜେସ୍ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନାଶୟ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଗଲା ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ଯେଉଁଟାକି ପୁଷ୍ଟିସାରର ପୁରା ସରଳ ରୂପ ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ହେଲା ଅଗ୍ନାଶୟ ଲାଇପେଜ୍ ତ ଅଗ୍ନାଶୟ ଲାଇପେଜ୍ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟଟା ଯେଉଁ ଯକୃତରୁ କ୍ଷରିତ ପିତ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଅଲରେଡ଼ି ଅବଦ୍ରବ୍ୟକୃତ ହୋଇସାରିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାନାଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାନା ହୋଇ ଆମର ଜଳ ସହିତ ମିଶିସାରିଛି ତ ଇମଲ୍ସନ୍ ବା ଇମଲ୍ସିଫାଏଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ସେ ଯେଉଁ ଅବଦ୍ରବ୍ୟକୃତ ସ୍ନେହସାର ଇମଲ୍ସିଫାଏଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ବା ଅବଦ୍ରବ୍ୟକୃତ ସ୍ନେହସାର ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବ କିଏ ନା ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଅଗ୍ନାଶୟ ଲାଇପେଜ୍ ସେ ତାକୁ ଅବଦ୍ରବ୍ୟକୃତ ସ୍ନେହସାରକୁ କ'ଣ କରିଦେବ ନା ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଏବଂ ଗ୍ଲିସେରଲ୍ କରିଦେବ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସ୍ନେହସାରର ସରଳ ରୂପ ତ ଇଏ ଥିଲା ଅଗ୍ନାଶୟ ରସର କାର୍ଯ୍ୟ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରହଣୀରେ କେମିତି ସରଳୀକରଣ ହୁଏ ଖାଦ୍ୟର ସେଇଟା ସରିଲା ଏବେ ଦେଖିବା ଜେଜୁନମ୍ ଏବଂ ଇଲିୟମ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସରଳୀକରଣ ହୁଏ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଜେଜୁନମ୍ ଆଉ ଇଲିୟମ୍ରେ ଖାଦ୍ୟର ସରଳୀକରଣ କିପରି ହୁଏ ଦେଖ ଗ୍ରହଣୀରେ କେମିତି ଆମର ଖାଦ୍ୟର ସରଳୀକରଣ ହୁଏ ତାକୁ ଜାଣିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଜେଜୁନମ୍ ଆଉ ଇଲିୟମ୍ ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ଜେଜୁନମ୍ ଏବଂ ଇଲିୟମ୍ରେ ଖାଦ୍ୟର ହଜମ କ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଆମର ଇଲିୟମ୍ରେ ଖାଦ୍ୟର ହଜମ କ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ଘଟେ ଇଲିୟମ୍ ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଶେଷ ଅଂଶ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରର ଯେଉଁଠିକି ଖାଦ୍ୟର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମାପ୍ତ ଘଟିଥାଏ ଆଚ୍ଛା ତ ହଜମ ହୋଇନଥିବା ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଜେଜୁନମ୍ ଏବଂ ଇଲିୟମ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମାପ୍ତ ଘଟେ ତ ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଜେଜୁନମ୍ ଏବଂ ଇଲିୟମ୍ରେ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଖାଦ୍ୟର ସରଳୀକରଣ କରିଥାଏ ଦେଖ ମନେ ରଖିବ ଜେଜୁନମ୍ ଏବଂ ଇଲିୟମ୍ରେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ସରଳୀକରଣ କରେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଆନ୍ତରିକ ରସ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଆନ୍ତରିକ ରସ ଏ ଆନ୍ତରିକ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ଥାଏ ଆନ୍ତରିକ ଗ୍ରନ୍ଥିଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଯେଉଁ ଜେଜୁନମ୍ ଇଲିୟମ୍ ତା'ର ଏଇ ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ରହିଛି ସେ କାନ୍ଥରେ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି ଆନ୍ତରିକ ଗ୍ରନ୍ଥି ସେଥିରୁ କ୍ଷରିତ ପଦାର୍ଥକୁ ଆନ୍ତରିକ ରସ କହନ୍ତି ତ ଜେଜୁନମ୍ ଏବଂ ଇଲିୟମ୍ରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ସରଳୀକରଣ ହୁଏ ତାହା ଆନ୍ତରିକ ରସ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକ ରସରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ତିନି ପ୍ରକାର ଏନ୍ଜାଇମ୍ ରହିଛି କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ନା ସେଇ ଆନ୍ତରିକ ଆମାଇଲେଜ୍ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ଲାଇପେଜ୍ ତ ଏଇଟା ଆନ୍ତରିକ ଆମାଇଲେଜ୍ ମାନେ ଇଏ ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଆନ୍ତରିକ ଲାଇପେଜ୍ ସ୍ନେହସାର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବ ତ ଦେଖିବା କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କେମିତି କାହାକୁ କ'ଣ କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ କରୁଛି ତ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଆନ୍ତରିକ ଆମାଇଲେଜ୍ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଉଛି ଆନ୍ତରିକ ଆମାଇଲେଜ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ତାପରେ ଆନ୍ତରିକ ଲାଇପେଜ୍ ଦେଖ ଅଗ୍ନାଶୟ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନାଶୟ ରସରେ ଯେଉଁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏଠି ବି ସେହି ପ୍ରକାର ଅଛି ସେ ଆମାଇଲେଜ୍ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ଲାଇପେଜ୍ ଅଛି ସେଠି ଖାଲି ଅଗ୍ନାଶୟ ତା ପୂର୍ବରୁ ଲଗାଉଥିଲେ ଏଠି ଆନ୍ତରିକ ଲଗାଇବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ତ ଏଠି ହଜମ ହୋଇନଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୁଏ ତ ଆନ୍ତରିକ ଆମାଇଲେଜ୍ ଇଏ ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବ ଆମର ତ ପୁରା ଜଟିଳ ଶ୍ୱେତସାର ନାହିଁ ଆମର ଶ୍ୱେତସାରଟା ମାଲ୍ଟୋଜ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ମାଲ୍ଟୋଜ୍ ବି କିଛି ମାଲ୍ଟୋଜ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଅଗ୍ନାଶୟ ଆମାଇଲେଜ୍ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ହୋଇସାରିଛି ତ ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ ମାଲ୍ଟୋଜ୍ ରହିଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଅବଶିଷ୍ଟ ମାଲ୍ଟୋଜ୍ ଅବଶିଷ୍ଟ ମାଲ୍ଟୋଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅବଶିଷ୍ଟ ମାଲ୍ଟୋଜ୍ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବ କିଏ ନା ଆନ୍ତରିକ ଆମାଇଲେଜ୍ ଅବଶିଷ୍ଟ ମାଲ୍ଟୋଜ୍ ଉପରେ ଆନ୍ତରିକ ଆମାଇଲେଜ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେବ ଏବଂ ତାହା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍କୁ ପରିଣତ କରିବ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ହେବ ଦେଖ ତ ଅବଶିଷ୍ଟ ମାଲ୍ଟୋଜ୍ ଆନ୍ତରିକ ଆମାଇଲେଜ୍ ଦ୍ୱାରା
ग्लुकोज्रे परिणत है आंतरिक रस द्वारा हजम क्रिया जेजुनम और इलियम हुए। तापर देख आंतरिक प्रोटीएज ये क्या उपर एक्शन नब ना निश्चित ये प्रोटीन उपर एक्शन नब पुष्टिसार उपर पुष्टिसार ऑलरेडी किछि किछि परिमाण सरल हो जाइछि तो कौन कौन रही अवशिष्ट अवशिष्ट पेप्टोन पेप्टोन प्लस प्रोटीओजेस बा प्रोटीओड अवशिष्ट पेप्टोन एवं प्रोटीओड जोटा कि पुष्टिसार किछि मात्रा रे सरल रूप तो ताकु कौन करिवो पुष्टिसार जो पूरा सरल रूप एमिनो एसिड बर्तन एमिनो एसिड को कन्वर्ट करी देव आंतरिक प्रोटीएज। अच्छा बर्तमान देखिए आंतरिक लाइपेज रो कार्य देख ये आंतरिक लाइपेज ये निश्चित स्नेहसार खाद्य उपर एक्शन नब लाइपेज अच्छी ना तो देख आम स्नेहसार अलरेडी सरलीकृत होपर जहाँ रही जाइए अवशिष्ट स्नेहसार तार उपर ये एक्शन नब तुम ये लिखिपर कौन ना अवशिष्ट स्नेहसार अवशिष्ट स्नेहसार उपर एक्शन नब आंतरिक लाइपेज तो कौन करना स्नेहसार जो सरल रूप आम अलरेडी जानते फैटी एसिड एवं ग्लिसेरल वर्तमान फैटी एसिड एवं ग्लिसेरल को कन्वर्ट करदेव आंतरिक लाइपेज ग्लिसेरल अवशिष्ट स्नेहसार देख ये सबुरे अवशिष्ट लगाई अवशिष्ट माल्टोज अवशिष्ट पेप्टोन प्रोटीओड अवशिष्ट स्नेहसार तो तार सरल जो रूप रही माल्टोज मान श्वेतसार जातीय खाद्य एटा पुष्टिसार जातीय खाद्य स्नेहसार जातीय खाद्य पूरा सरल रूप को ये कन्वर्ट करदेला तो बर्तमान आम क्षुद्रांतर खाद्यर सरलीकरण किपर हुए कौन के खाद्य के परिणत हुए से कथा सरला।